फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1.5। आज हम लोग 2.15 ये करेंगे। तो कह रहा है, एक फेमस रिलेशन है फिजिक्स में मूविंग मास और रेस्ट मास के बीच, है ना, और किसके टर्म में, वेलोसिटी एंड जो भी स्पीड होगा वो मास का और स्पीड ऑफ लाइट के बीच के। तो ये रिलेशन आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया हुआ है कि ये देखो यहाँ पे इक्वेशन भी है ना। तो वो एक लड़का जो है उसको फिर से लिख रहा है और उसको याद नहीं आ रहा है कि सी पुट कहां करना है। ये फॉर्मूला लिख दिया वो, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सी कहां पुट करें। तो इस सी को कैसे पुट करें, कहां पे पुट करें, कैसे पता करेंगे, है ना। तो ये देखते हैं कैसे रखना है। तो ये रिलेशन होता है एम और एम नॉट के बीच, मूविंग मास एंड रेस्ट मास के बीच का रिलेशन है, और वी स्पीड है और सी है स्पीड ऑफ लाइट, दोनों स्पीड है। तो कैसे पता करेंगे, चलते हैं सॉल्यूशन में। तो m इक्वल टू है m नॉट बाय 1 माइनस v स्क्वायर का रूट, है ना, पावर 1/2। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इक्वेट किए हैं तो डायमेंशन बराबर होना चाहिए। m का डायमेंशन इक्वल टू m नॉट बाय 1 माइनस v स्क्वायर का रूट का डायमेंशन। ये भी कर सकते थे रूट का या फिर पूरे पावर 1/2 का, डायमेंशन के बराबर होगा। तो देखो ऊपर में डायमेंशन m है, इधर लेफ्ट साइड में तो m है, मास है तो m, और राइट साइड में भी m नॉट है ऊपर में मास m, पर नीचे का डायमेंशन 1 माइनस v स्क्वायर पे पावर 1/2। इसका डायमेंशन कुछ आएगा 1 माइनस v स्क्वायर, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड हो गया ये, सॉरी स्पीड का डायमेंशन हो गया नीचे में। तो हम लोग को इसका मतलब नीचे का जो डायमेंशन है इसको डायमेंशन लेस बना दें तब तो मास दोनों बराबर होगा ना। इधर भी मास है, इधर भी मास, इक्वेट तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड मास मास हो या दोनों साइड का डायमेंशन सेम हो। तो इसका मतलब इधर मास आ गया, यहां भी मास आ गया, तो नीचे वाले को डायमेंशन लेस बनाना पड़ेगा। तो नीचे वाले को डायमेंशन लेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो इसे डायमेंशन लेस बनाना है नीचे वाले को, है ना। तो नीचे में क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस वी स्क्वायर, तो v का डायमेंशन स्पीड है, तो स्पीड से ही डिवाइड कर दें तो डायमेंशन लेस हो गया क्या, तो वेलोसिटी में डिवाइड कर दें और इस पे पूरे पे पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है, वी स्क्वायर इस पे पावर कर दो 1/2। अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा, डायमेंशन डायमेंशन में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, डायमेंशन लेस हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, सी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा वी स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू m नॉट बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पे पावर 1/2। ये हो गया आंसर। तो कहां रखना पड़ेगा ये पूछ रहा है, देखो कह रहा है कि गेस वेयर टू पुट द मिसिंग सी। तो हम लोग यहां पे वैल्यू रखेंगे नीचे में, ठीक है। तो ये डायमेंशन लेस हो गया, ये हो गया डायमेंशन लेस, है ना। इसको अगर ऐसे लिखें, डायमेंशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ये डायमेंशन लेस हो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मैं बार बार लेक्चर बोल देता हूँ, क्लासेस भी चल रही हैं इस पे, आप क्लासेस भी कर सकते हैं 11th-12th का, और जूनियर सेशन में भी चल रहे हैं, जूनियर सेशन के जूनियर टीचर लोग ले रहे हैं जो उन्हें पाते हैं, और हम लोग सीनियर सेशन को अभी क्लास चल रहा है 11th-12th IIT-JEE मेन के लिए हम लोग हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो भी अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।